वैसे गाइस आप लोग को जान के हैरानी होगी कि मैं और सिंचन और चॉप हम तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा लेट उठे हैं। और गाइस हमारे ट्यूशन में ना सेक्शन बी और सेक्शन सी में बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन आज सिंचन लेट हो गया ना, इसके लिए सेक्शन ए के बच्चे एक भी नहीं आए। और तो और अभी सिंचन जाएगा और सबको लेके आएगा, उसके बाद मैं सबको ट्यूशन पढ़ाऊंगा। लिटरली गाइस मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ आज तो। अरे फ्रैंकलिन भैया, रात को आपने आइसक्रीम खिलाई थी ना, लगता है उस आइसक्रीम में कुछ था जो हम लोग अभी तक सोए हुए थे यार। सिंचन तू बोल तो सही रहा है, लेकिन हाँ वो आइसक्रीम थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन जो भी थी टेस्टी बहुत ज्यादा थी। अरे एक मिनट, आइसक्रीम कौन सी आइसक्रीम? मैं तो था ना घर पे, तो आइसक्रीम कब आई? अरे चुप, जब तू सो गया था तब फ्रैंकलिन भैया और मैं दोनों आइसक्रीम खाए थे, वो भी बहुत सारी यार। धोखा दिया यार आप दोनों ने मुझे। यार ये तो गंदी बात है, मैं अपने पैसे बचाकर आप दोनों को खिलाता हूँ और आप दोनों ने आज मुझे धोखा दिया। मुझे माफ कर दे चॉप, मैं तुझे रात में ना उठा नहीं पाया, मुझे लगा चॉप सो रहा होगा, दिन में थका हुआ होगा, इसीलिए मैंने तुझे नहीं उठाया। और कभी मैं तुझे आइसक्रीम खिला दूंगा, अभी फटाफट से जाओ और सभी एवेंजर्स को लेके आओ, ठीक है ना? अरे ठीक है, लेकिन और कभी भूलना मत, चले सिंचन। और हाँ चॉप, जैसे ही सिंचन ना बहुत तेज ट्रक चलाए तो मुझे बता दियो, मैं सिंचन को छोड़ूंगा नहीं यार। फ्रैंकलिन भैया आप टेंशन मत करो, मेरे होते हुए मैं इसको तेज नहीं चलाने दूंगा। सिंचन तेज नहीं चलाना, ठीक है? अरे हाँ चॉप यार, मैं तो आराम से चलाता हूँ, तुझे भी पता है ना। हाँ वही, लेकिन यार रात को आइसक्रीम लाए, एक बार कम से कम जगा तो देते। अरे यार कोई बात नहीं, वो थोड़ी सी आइसक्रीम थी, उसमें भी मेरे को कम लग रही थी यार, इसीलिए मैंने तेरे को जगाया नहीं, वरना और सारी आइसक्रीम होती तो मैं जगा देता। अच्छा ठीक है, अब जल्दी चलते हैं वहाँ पर यार। हाँ चलो गाइस चलते हैं यहाँ से यार। चलो गाइस यार, सबसे पहले ना डोरीमोन भैया के घर जाते हैं और उनको लेते हैं। अरे तुम पागल हो, कैसे ट्रक चलाते हो? अरे अंकल मैं तो सही साइड में हूँ, आप मेरे साइड में आए हो, समझ गए क्या? बिल्कुल सही क्या सिंचन, बिल्कुल सही क्या, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही करना चाहिए। अरे वही तो, उल्टा मेरे पे चिल्ला रहे थे अंकल। छोड़ो गाइस यार, डोरीमोन भैया का घर आ गया, पर वेट यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। अरे यार कहाँ गए सब लोग? हेलो भैया लोग कहाँ गए? गाइस यार पक्का ये सब लोग ना पीछे स्विमिंग कर रहे होंगे यार, ट्यूशन के टाइम पे कम से कम यहाँ तो रहे। अरे कहाँ हो डोरीमोन भैया? छोड़ो यार जाता हूँ इनको बुला के लाता हूँ, ये तो बहुत गलत बात है, ट्यूशन के टाइम पे कम से कम घर के बाहर तो रहना चाहिए ना। अरे डोरीमोन भैया, आलोक भैया, सुपरमैन भैया और कौन था, छोड़ो। अरे कोई भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? गाइस ये क्या, ट्यूशन के लिए लेट हो रहे हैं, ऊपर से यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है। और ये लोग चारों एक साथ कहाँ गए? अरे यार क्या बताऊँ, अब फ्रैंकलिन भैया मेरे को बोलेंगे कि तू लेके नहीं आया। यार क्या ही हो रहा है मेरे साथ, छोड़ो। अरे कहाँ हो, लगता है छुपे तो नहीं? अरे रुको अभी बताता हूँ, यहाँ पे हो, रुको मुझे पता है, ये पकड़ लिया। अरे लो यहाँ भी नहीं है, मतलब गाइस वो लोग तो घर पे ही नहीं है यार। अब फ्रैंकलिन भैया मेरे को बोलेंगे कि सिंचन तू लेके नहीं आया उन लोगों को, तूने उनकी जानबूझ के छुट्टी करवाई, अब आप ही लोग बताओ, यहाँ पे ये लोग नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? गाइस सही में आप लोग ना वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड वो लोग कहाँ है मुझे पता होता ना, अभी लेके आता सबको। चुप, अरे कोई नहीं है यार। अरे हाँ सही बोला, छत पे भी कोई नहीं दिख रहा। अरे हाँ रुको गाइस, एक बार छत की तरफ भी देख लूँ। अरे कोई नहीं है यार। गाइस मुझे लगता है ना अब मुझे अवेंजर हाउस जाना चाहिए, आयरन मैन भैया, रेड हल्क और ग्रीन हल्क तीनों को ले लेना चाहिए वहाँ से। अरे हाँ वहाँ चलते हैं, ये लोग नहीं आए तो इसमें हमारी क्या गलती, हम लोग तो आए थे और उल्टा हमने तो घर भी चेक किया, घर में भी नहीं थे। अरे वही तो गाइस, ये गलत बात है, मैं इतने दूर से आता हूँ लेने और ये लोग पता नहीं कहाँ रहते हैं। चलो अब चलते हैं स्टार्क मेंशन, वहीं पे जाके देखते हैं क्या हो गई यार। अरे हाँ चलो अब लेट मत करो यार बिल्कुल भी, मैं कहता हूँ थोड़ा सा स्पीड चला लो। ठीक है चुप, मैं थोड़ा तेजी चलाऊंगा, ज्यादा तेज नहीं चलाऊंगा। अरे मैं अभी भी सबको समझा रहा हूँ कि हम लोग को ट्यूशन जाना चाहिए और छुट्टी नहीं मानना चाहिए यार। डोरीमोन तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, थॉर द रॉक। अरे मेरे होते हुए कोई किसी को नहीं छू सकता, और हाँ वो फ्रैंकलिन उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आज मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा, हम में से कोई ट्यूशन नहीं जाएगा, हम सब मस्ती करेंगे आज। और भाई बिल्कुल सही कह रहा है, आज मस्ती करेंगे, और फ्रैंकलिन की बात रही तो हम बोल देंगे कि सिंचन ना आया से तो हम क्या करेंगे। अरे मैं तो ये बोलता हूँ
यहाँ सिंचन आए उससे पहले यहाँ से निकल जाते हैं, वरना मुझे पता है सिंचन अभी डोरेमोन के घर से निकल चुका होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, फटाफट यहाँ से निकलो। अरे यार बिल्कुल सही बोला तुमने, अभी सिंचन आ सकता है, फटाफट बैठ जाओ। डोरेमोन नाटक मत करो यार, बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे मैं बोल रहा हूँ वो आ गया तो हमें पकड़ेगा और फ्रैंकलिन को बता देगा। मैं तो कह रहा हूँ आज हम लोग क्रूजन चलते हैं, कभी और जाएंगे घूमने के लिए। अरे नहीं यार, आज सबने प्लान बनाया है तो आज ही जाएंगे। चलो चलो बैठ जाओ यार। अरे यार तुम्हारे चक्कर में मैं भी पिटूंगा और फ्रैंकलिन मुझे भी मारेगा। बहुत ज्यादा छुट्टी मारेंगे ना तो देखना फ्रैंकलिन हमें बहुत ज्यादा मारेगा। अरे मुझे लगता है कि सिंचन आ गया, मुझे ट्रक की आवाज आ रही है यार। और यार बिल्कुल सही बोला, आ तो रहा है सिंचन, हल्का हल्का आवाज तो मेरे को भी आ रहा है। तुम लोग शांत रहना। अरे आयरन मैन अपनी गाड़ी भी बंद कर लो, वरना सिंचन को पता चल जाएगा। चलो चलो शांत रहो। चलो गाइस आयरन मैन भैया के पास और रेड हल्क और ग्रीन हल्क इन सब के पास जाता हूँ, कम से कम ये लोग तो ट्यूशन जाएं। कोई भी नहीं था यार, डोरेमोन भैया को पता नहीं क्या हो गया, घर में कोई नहीं था, कम से कम एक फोन तो करते, क्या पता कोई बीमार हो। हाँ हो भी सकता है, चलो चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे। अरे हाँ हाँ, अरे हल्क भैया भाऊ भाऊ लेट हो रहे हैं, जल्दी आओ। अरे ये क्या, यहाँ भी कोई नहीं है। गाइस ये कैसे हो सकता है, कम से कम यहाँ तो कोई होता है। अरे वही तो, यहाँ भी नहीं है। गाइस मुझे लगता है इतना बड़ा घर है वो लोग आराम कर रहे होंगे, क्योंकि आज मैं लेट हूँ ना, वो लोग लगता है यहाँ पे इंतजार कर रहे होंगे, और जब मैं आया नहीं तो लगता है अंदर चले गए होंगे। कोई नहीं चौप, मैं अंदर से ढूंढ के आता हूँ और तू यहीं देखियो, ठीक है। हाँ हाँ जाओ जाओ। चलो गाइस, अरे कहाँ हो, अरे यहाँ भी नहीं है, लगता है ऊपर सो रहे होंगे, पक्का यार रात को जगे होंगे ये लोग। अरे आयरन मैन फटाफट से निकालो, मुझे लगता है वो हम लोग को ढूंढने के लिए हमारे घर के अंदर गया है। चलो चलो, अरे चलो जल्दी चलो यार, वो आ जाएगा हमें देख लेगा। अरे हाँ हाँ मुझे पता है गाइस, तुम लोग शांत रहो। चलो चलो गाइस हमें यहाँ से निकलना चाहिए, अगर सिंचन ने हमें देख लिया तो वो हमारे पीछे पड़ जाएगा, वो तो मेरे से भी ज्यादा अच्छी ट्रक चलाता है यार। अरे हाँ सही बोला तुमने। अरे सुनो, हम लोग पकड़े गए तो हम आयरन मैन को फंसा देंगे और बोलेंगे अरे कैसे चला रहे आयरन मैन, अरे मैं मजाक कर रहा था यार। नहीं 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 ऐसे मत चलाओ, हम लोग गिर जाएंगे। अरे हाँ ठीक कह रहे थे भाई, अगर ऐसे ट्रक चलावेगा पिकनिक के जगह हॉस्पिटल चले जाएंगे। अरे आयरन मैन मस्ती कर रहा है, वो डोरेमोन को डरा रहा था, क्योंकि डोरेमोन खुद तो डरा हुआ है और बाकी हम सबको भी डरा रहा है। अरे ठीक कह रहे थे, अरे सब शांत रहे, हम सभी लोग पिकनिक जा रहे हैं। सब लोग शांत रहो यार, मेरे को ड्राइव करने दो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा यार। गाइस यार पूरा घर ढूंढ लिया है, अभी भी वो लोग नहीं दिख रहे यार, अब क्या बोलूं मैं यार, यहाँ तो नहीं। हेल्प भैया देखो, ये देखो गाइस बाथरूम में भी नहीं है कोई, हर तरफ ढूंढ रहा हूँ। फिर फ्रैंकलिन भैया बोलेंगे कि तू किसी को लेके नहीं आया यार, मैंने पूरा घर छान मार दिया। ओहे वैसे देखो गाइस कितना बढ़िया दिख रहा हूँ। ओहो सिंचन छोड़ो यार, अभी उनको ढूंढने वाला काम करता हूँ। अरे कहाँ है भैया लोग, कहाँ हो? ये देखो सामने एक अंकल बैठे हैं। अंकल अंकल सुनो एक बात। ओ, बोलो क्या हो गया? आयरन मैन भैया को देखा है क्या? ओ, अच्छा सर, सर तो अभी अपने ट्रक से अपने दोस्तों के साथ घूमने गए हैं, वो पता नहीं कहीं पार्क वार्क की बात कर रहे थे। अरे ये क्या गाइस, मैं इन लोगों को ढूंढ रहा हूँ और ये लोग घूमने जा रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। अब बताता हूँ यार, मुझे जो लग रहा था वही सच है। चौप देखा तूने, वो सब लोग घूमने गए हैं अकेले अकेले। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला, और यार हमें भी लेके नहीं गए। गाइस जा रहे थे तो कम से कम मुझे ले लेते, आज बेशक छुट्टी मार लेते, लेकिन इन लोगों ने बहुत गलत किया और मैं इन लोगों को माफ नहीं करने वाला। मैं इनको फंसाऊंगा और इतना तगड़ा फंसाऊंगा ना, ये लोग सोच नहीं सकते। मैं जाके फ्रैंकलिन भैया को बताऊंगा। और पार्क बोला था गाइस, सबसे बढ़िया पार्क कौन सा है? मुझे तो नहीं पता, चुप तू बता ना यार। और यार लॉस सैंटोस में तो बहुत सारे पार्क हैं, अगर सबको ढूंढते रहे ना तो यार बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, एक दो दिन, और उतने में तो ये लोग वापस घर भी आ जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला गाइस, अभी मुझे घर जाना चाहिए और फ्रैंकलिन भैया को रिपोर्ट देनी चाहिए कि ये सब लोग घूमने गए हैं। अरे मतलब कैप्टन अमेरिका भैया भी इनके साथ मिले होंगे? हाँ हाँ हो भी सकता है। नहीं नहीं गाइस, कैप्टन अमेरिका भैया है ना, उनका घर अलग है और ये लोगों का घर अलग है, क्या पता कैप्टन अमेरिका भैया ना मिले हो। अरे यार
क्या बताऊं, इतना ज्यादा लेट हो गया हूँ। आज सही में फ्रैंकलिन तो मेरे को मुर्गा बनाएगा। और हाँ गाइस, आज मेरे पास आयरन मैन का सुबह सुबह कॉल आया था, लेकिन मैं नहा रहा था ना, इसलिए मैं कॉल नहीं उठा पाया। उसके बाद मेरी बात भी नहीं हो पाई। चलो अभी ट्यूशन में जाके उन लोग से पूछूंगा मेरे पास कॉल क्यों कर रहे थे। अभी फटाफट से जाता हूँ, वरना फ्रैंकलिन सही में यार बहुत ज़्यादा मारेगा। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, सही में आधे घंटे लेट। अरे हटो रे, मेरे को फटाफट से ट्यूशन जाने दो। अरे भाई आराम से चलाओ गाड़ी को। अरे यार आराम से चलाऊंगा तो फ्रैंकलिन मारेगा, और तेज चलाऊंगा तो ठुकूंगा। लेकिन हाँ, मैं ठुकना पसंद करूंगा, मार नहीं खाना चाहूंगा। अरे फटाफट चलो यार, चलो चलो। अरे फ्रैंकलिन सर मैं पहुंच गया। अरे फ्रैंकलिन सर आज बाहर कैसे, लगता है कोई अभी तक आया नहीं है। अरे सही बोल रहे हो, अभी तक कोई आया नहीं है, वैसे भी सबके सब आधे घंटे लेट हो चुके हैं। अरे यार मैं तो सोच रहा था कि मैं ही सबसे ज्यादा लेट होऊंगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया, सबसे पहले मैं ही पहुंचा हूँ यार। वैसे कैप्टन अमेरिका आप तो सही बोल रहे हो, सबसे ज्यादा लेट आप आते लेकिन सबसे पहले आ गए। लेकिन वेट, ये लोग आज इतना ज्यादा लेट क्यों कर रहे हैं? मुझे लग रहा है ना सिंचैन ने अपनी ट्रक कहीं ठोक दी होगी, या सिंचैन ने अपनी टायर पंचर कर दिए होंगे, या कुछ तो हुआ होगा, तभी तो ये लोग बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं। क्या हुआ होगा कैप्टन अमेरिका? अरे यार मैं कैसे बता सकता हूँ, आई थिंक ये लोग खेल रहे होंगे, या पता नहीं। हाँ, इन लोगों ने होमवर्क नहीं किया होगा, इसीलिए ये लोग नाटक कर रहे होंगे। नहीं नहीं, मैंने तो होमवर्क दिया ही नहीं था। हाँ मुझे सुनना था कुछ, वो लोग याद करके तो आ ही सकते हैं। अरे यार वो लोग कामचोर हैं, वो लोग याद भी नहीं करना चाहते। गाइस यार चलो चलो, फ्रैंकलिन भैया को बताता हूँ ये क्या हो रहा है। यार वो सब लोग चले गए, कहाँ गए कुछ बता के भी नहीं गए लगता है। हाँ फ्रैंकलिन भैया के पास कॉल क्या होगा। सिंचन बात तो बिल्कुल सही कह रहा है यार तू। अरे यार चुप, मैं बातें हमेशा सही बोलता हूँ, कोई समझता नहीं है मेरी बातों को। अरे हाँ हाँ वो देख फ्रैंकलिन भैया। अरे फ्रैंकलिन भैया सुनो। आ गए यार, मैं जब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम लोग इतना लेट आ रहे हो। वेट, कोई नहीं आया। अरे सिंचन तू अकेला कैसे आया यार? अरे कोई अपने घर पे नहीं था, मैं गया था और मैंने खूब ढूंढा यार, डोरीमोन भैया का घर ढूंढ लिया, स्टार्क मेंशन पूरा ढूंढ लिया, कोई भी नहीं मिला। अब बताओ मैं क्या करूँ, अब आप बोलोगे मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? अरे यार नहीं नहीं, तुम सच बोल रहे हो, उनका सुबह सुबह मेरे पास कॉल आया था, शायद वो लोग एक छुट्टी बनाने का प्लान कर रहे होंगे। और हाँ मैंने कॉल नहीं उठाया, इसीलिए मुझे अकेला छोड़ दिया, ये लोग बहुत गंदे हैं यार। एक मिनट, उन लोगों को कॉल करता हूँ और उनसे फ़ोन करता हूँ और पूछता हूँ वो लोग कहाँ पर हैं। उठाओ कॉल, उठाओ कॉल। क्यों नहीं उठा रहे? वेट, ये लोग तो कॉल नहीं उठा रहे। आई थिंक गाइस कैप्टन अमेरिका सही बोल रहे हैं, वो लोग कहीं घूमने चले गए हैं और ट्यूशन की छुट्टी कर ली है। आज सही में वो बहुत ज़्यादा मार खाने वाले हैं, वो भी मेरे हाथों से। सही में सिंचन, एक भी बंदा अपने घर में नहीं था क्या? अरे कोई नहीं था, मैंने आसमान पाताल एक कर दिया था, हर तरफ देखा था, चौब से पूछ लो यार। हाँ हाँ सिंचन झूठ नहीं बोल रहा, हमने इस बार सच में पूरा घर देखा था, कोई भी नहीं था। और हाँ स्टार्क मेंशन में एक अंकल ने बताया कि आयरन मैन भैया अपने दोस्तों के साथ घूमने गए हैं। अच्छा अभी मैं सारी की सारी बातें समझ गया हूँ, वो लोग सोच रहे हैं मैं बुद्धू हूँ, लेकिन नहीं, अब वो लोग गए, वो लोग ना एक साथ सबके सब क्लास बंक कर रहे हैं, और वो लोग सोच रहे होंगे कि वो सब एक साथ कहीं घूमने गए हैं तो मैं उनको छोड़ दूंगा। नहीं गाइस, अब वो लोग गए मुझे बिना बताए घूमने जाना, वो भी ट्यूशन के टाइम पे, सही में उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरे की बात हो सकती है। सिंचन तुझे और कुछ पता चला वो कहाँ गए घूमने के लिए? अरे नहीं नहीं, हाँ उन्होंने बोला था कि पार्क की तरफ गए हैं, कोई पार्क बोल रहे थे वो। अच्छा आई थिंक पार्क ना। चलो गाइस हम लोग यहाँ से निकलते हैं और फटाफट से उन लोग को ढूंढते हैं, और जैसे ही वो लोग मुझे मिल जाएंगे पक्का गाइस उनको मैं पनिशमेंट करने वाला हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया लेकिन यहाँ तो बहुत सारे पार्क हैं, अगर हमने एक एक पार्क में सर्च किया तो यार बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे, अब हमें कुछ और सोचना चाहिए। हाँ पहले यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद कुछ सोचते हैं। लिटरली गाइस, अरे यार मेरी गाड़ी टूट जाएगी। अरे फ्रैंकलिन आराम से। अरे ठीक है ये लो,
तुम्हारी गाड़ी भी उतर गई और कुछ हुआ भी नहीं। चलो गाइस, अभी उन लोग को ढूंढना पड़ेगा। और हाँ, वो लोग जहाँ भी होंगे उनको मैं नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि फ्रैंकलिन ट्यूशन क्लासेस में आप लोग को पता है बिना बताए छुट्टी करना बहुत बड़ी बात होती है। और वो लोग तो एक नहीं सबके सब गायब हैं। लिटरली गाइस, इन लोग को मैं ढूंढ ढूंढ के मारूंगा और जहाँ होंगे वहाँ मारूंगा। और हाँ, ऊपर से होमवर्क भी डबल कर दूंगा, पनिशमेंट की पनिशमेंट भी। और हाँ, एक काम और करूंगा, कैप्टन अमेरिका का होमवर्क भी वो लोग करेंगे। सही में गाइस, मजा आ जाएगा। अरे यार, बहुत ज्यादा मजा आ गया। आज तो हमने सिंचन को उल्लू बना दिया। कितना पागल और कितना छोटा बच्चा है यार, बिल्कुल दिमाग नहीं है उसके पास। अरे वो जब हमारे ट्रक के बगल से निकल रहा था और हम लोग झाड़ी में छुपे हुए थे, सही में मुझे तो लगा वो पागल कुत्ता, क्या नाम है, हाँ चौप, चौप हमें देख लेगा। लेकिन वो कुत्ता भी किसी काम का नहीं है। सही में यार, बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। अरे यार, उसको कुत्ता ना कहो, क्योंकि वो हमारा दोस्त है, उसका नाम चौप है। चौप नाम बोला करो उसका। अरे हाँ, वही चौप, बड़ा बेवकूफ डॉगी है। चौप बोलूंगा यार, बार बार मुंह से उसके लिए डॉग निकलता है। कोई बात नहीं, अभी हम लोग आए हैं अम्यूजमेंट पार्क। ओए ओए, रुक जा रुक जा, तू ठोकेगा सबको यार। ओए ये ले। अरे यार, ये क्या हो रहा है? अरे गाइस, मुझे बचाओ। अरे आयरन मैन को उड़ा दिया। अरे यार, ये हंसने वाली बात है। रुक रुक रुक, भागता कहाँ है? रुक जा। अरे यार, भाग गया, तुम लोग सिर्फ देखते रहो ना। हाँ, वो भाग गया तुम्हें मार के। अरे क्या फायदा तुम्हारा, तुम सुपर हीरो हो और तुम्हें वो ठोक के भाग गया। हाँ, मजा आ गया यार। अरे यार, अगर मेरे बस की होती ना तो एक सेकंड में उसकी गाड़ी उड़ा देता। पर छोड़ो, हम लोग यहाँ पे मस्ती करने आए हैं। चलो चलो, मस्ती करते हैं यार। अरे हाँ, लेकिन हम लोग यहाँ तो आए हैं, करे तो करे क्या, अभी शाम तक का वेट करना पड़ेगा जब ही झूले स्टार्ट होंगे। झूले अभी स्टार्ट भी नहीं हो सकते। और हाँ, पानी है बगल में। अरे हाँ आयरन मैन, हम लोग यहाँ पे सेविंग तो कर सकते हैं ना। अरे हाँ, बिल्कुल सही बोला, हम लोग बोट राइडिंग करते हैं। आ जाओ गाइस, मेरे मेरे पीछे आ जाओ यार। अरे सही में बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत दिन से नहाया भी नहीं हूँ। चलो चलो, फटाफट चलते हैं हम लोग। अरे तू बहुत दिन से ना नहाया सर, पागल से के डोरीमोन, डेली नहाना चाहिए इंसान को, समझ गए के? अरे हाँ, बोल तो सही रहे हो, लेकिन वो देखो समुन्दर का नीला पानी और ठंडा पानी, चलो चलो मजा आएगा। अरे बिल्कुल सही बोला, मुझे भी नहाना है। चलो चलो, आज तो रेड हल्क लाल कर देगा समुंदर को। अरे हाँ रेड हल्क, तुम लाल मत करना वरना हमें अजीब लगेगा। अरे आयरन मैन, तुम कहाँ जा रहे हो भाग के? अरे यार, दिखता नहीं है, यहाँ पे एक बोट है, जिसकी भी बोट हो हमें क्या। चलो चलो आओ, जिसको जिसको बैठना है ना, जल्दी बैठ जाओ यार। अरे रुको, मैं भी बैठूंगा, हम सब बैठेंगे और हम सब एक साथ पानी में नहाएंगे। अरे यार, बिल्कुल सही बोला, आओ आज मस्ती करते हैं। आज हम लोगों ने यार सिंचन को बेवकूफ बनाया है, इससे बड़ी बड़ी बात क्या होगी यार। अरे हाँ, मेरे लिए रुक जाओ एक मिनट। हाँ, मजा आ गया मजा आ गया, मजा आ रहा है, बोट चलाओ बोट चलाओ। अरे यार वेट वेट, अभी चलाता हूँ, आ जाओ। अरे आलोक और सुपरमैन, तुम नहीं आओगे क्या? अरे हम तो पानी में नहा रहे थे। ओए भाई, नहाना मजे आ रहे थे भाई अपने को तो। अरे यार सही में, बोट में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, और तेज और तेज। अरे ये क्या हो रहा है? अरे आराम से चलाए, ये तो हवा आई है और हवा ने हमारी बोट को कहाँ फेंक दिया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे यार, मैं तो पानी में गिर गया, मजा आ रहा है मजा आ रहा है मजा आ रहा है। अरे वेट, अभी हम लोग भी आते हैं पानी में। चलो चलो, सब लोग पानी में चलते हैं यार। अरे हाँ चलो पानी में चलते हैं। अरे आयरन मैन, तुम तो पहले चले गए, रुको मैं भी आता हूँ। अरे मैं भी नीचे आ गया। सही में ये तो बहुत ज्यादा साफ पानी है और ठंडा पानी है। लिटरली इतना ज्यादा मजा मुझे आज से पहले कभी नहीं आया यार। अरे यार बहुत सही कह रहे थे भाई, आज तक हमने भी ना इतना मजा आया था घूमने में। अरे थोड़ा साइड हटो, मेरे कान में पानी जा रहा है। अरे हटो, थोड़ा साइड हटो यार। अरे यार साइड हट जाओ साइड हट जाओ, डोरीमोन को बहुत दिक्कत हो रही है। आओ डोरीमोन बाहर आ जाओ, थोड़ा सा बाहर भी मस्ती करते हैं यार। अरे सही में आज ट्यूशन की छुट्टी मार के इतना ज्यादा मजा आ रहा है, क्या बताऊं। आहा, लेकिन बस फ्रैंकलिन ने एक बार हमें पकड़ लिया तो क्या हाल करेगा हमारा। अरे यार तुम उसकी टेंशन मत करो, यहाँ मस्ती करो आराम से। वैसे गाइस, अभी मैंने सिंचन ने और चौप ने
और कैप्टन अमेरिका ने हम तीनों ने मिलके ना लॉस सैंटोस के सारे पार्क ढूंढ लिए, लेकिन वो लोग हमें कहीं भी नहीं मिले। अब मिलेंगे तो मिलेंगे कहाँ? ये देखो, इधर से शहर का एग्जिट है और इधर से शहर के अंदर घुसते हैं। हम तो एंड में आ गए, अब करे तो करे क्या यार। अरे कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, उन लोगों की वजह से हम लोग इतना ढूंढ रहे हैं और पागलों की तरह घूम भी रहे हैं। अरे यार एक काम कर सकते हो, कॉल करो उनको वापस। एक मिनट, मैं इस बार ना थॉर को फोन लगाता हूँ, थॉर पक्का मेरा फोन उठाता ही है। ए यार थॉर मेरा फोन नहीं उठा रहा, अब क्या करूं? अरे यार एक काम करो, हल्क करो यार। अच्छा एक मिनट, हल्क करता हूँ। वेट, हल्क भी फोन नहीं उठा रहा, सबको फोन करता हूँ एक साथ। एक मिनट, ये रहा डीजे आलोक, डीजे आलोक तो पक्का मेरा फोन उठा ही लेगा। और डीजे आलोक उठा ले फोन, नहीं उठा रहा गाइस। अब करूँ तो करूँ क्या, कोई भी मेरा फोन नहीं उठा रहा, अब मैं इनको ढूंढूं कैसे यार। यार अब तो ऐसी उम्मीद है ना कि वो लोग हमें नहीं मिलेंगे, अब कल का इंतजार करो। यार सही में पता नहीं कैसी जगह पे गए हैं ये लोग। एक मिनट, आज मैं इन लोग को ढूंढ के तो रहूंगा, ये लोग कहीं भी हो, रात हो जाए वापस सुबह हो जाए, लेकिन हाँ इन लोग को बिना पनिशमेंट दिए मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इन लोग को मैंने पहले भी समझाया, बिना पूछे छुट्टी नहीं करना चाहिए, बिना बताए छुट्टी नहीं करना चाहिए। फ्रैंकलिन भैया, पार्क का मतलब तो अम्यूजमेंट पार्क भी हो सकता है ना? अबे हाँ सही बोला सिंचन, तेरा दिमाग तो बहुत ज्यादा तेज चलता है। अरे यार इतना सा छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अरे सही बोल रहा है सिंचन, फटाफट से अम्यूजमेंट पार्क चलो। और हाँ ये तो बगल में ही है, सही में आज वो लोग गए और उनको पिटता हुआ मैं देखूंगा, हा हा मजा आएगा यार। वैसे गाइस आप लोग को लगता है कि वो लोग अम्यूजमेंट पार्क में ही है तो फटाफट से ना यस लिख दो और कहाँ पर है ये भी बता दो। आई थिंक गाइस वो लोग यहीं कहीं होंगे, ढूंढता हूँ। अरे हल्क, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, कहीं हो क्या, कहाँ हो बताओ? अरे फ्रैंकलिन भैया उस साइड देखो, अरे दिख गए मेरे को। एक अच्छा वो सारे सामने हैं। अरे यार मजा, अरे और यार ये क्या हुआ? अरे भागो, अरे यार फ्रैंकलिन आ गया, अरे भागो यहाँ से। अच्छा मेरे से बच के भागोगे? गाइस लिटरली ये लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। अरे यार उनको पकड़ो जल्दी से वरना वो लोग भाग जाएंगे यार। अरे कोई जल्दीबाजी नहीं है, हमारे पास कार है, आराम से पकड़ेंगे। चलो फ्रैंकलिन भैया ठोक दो फिर से यार। वैसे गाइस वो लोग तो बड़े आसानी से पकड़े गए, सही में कहाँ भागोगे? मैंने मना किया था लेकिन मैं तुम्हारे चक्कर में फंस गया ना। और यार भागो भागो। और यार फ्रैंकलिन एक मिनट, सारे के सारे यहीं वापस आ जाओ। और हाँ तुम लोग ट्यूशन क्यों नहीं आए आज ये बताओ। अरे हाँ सॉरी फ्रैंकलिन, माफ कर दो हमें, हम लोग एक साथ घूमने आ गए और ये प्लान सारा का सारा आयरन मैन का था यार। अरे मेरा कहाँ था, मेरा नाम मत फंसाओ। अरे यार हल्क का था, बेशक हल्क से पूछ लो, उसी ने मेरे को कॉल करके बोला था ये सब। एक मिनट तुम सब भागना मत, मैं हल्क को और रेडू हल्क को, और हाँ एक और बंदा गायब है, हाँ सुपरमैन, सुपरमैन भी नहीं बचेगा पक्का गाइस, वो यहीं कहीं होंगे। हाँ वो उस साइड गए थे रोड के साइड, कहाँ गए वो लोग? अरे सामने, मैंने सामने देख लिया, पकड़ो पकड़ो उधर ही है यार। एक मिनट, अच्छा वहाँ पर हो, भागो भागो भागो। अरे भागो आज तो गए, अरे फ्रैंकलिन सर। अरे अरे भागो, अरे आ गए, अरे हमको ठोक दिया तुमने, ये क्या किया? अरे उल्टा भाग भाई, हमें बहुत मार पड़ेगी। अरे हल्क रुक जाओ वरना तुम्हें और मार पड़ेगी, ठीक है ना? अरे ठीक है हम यहीं पर रुके हैं, हमें मारना मत। अरे हमें माफ कर दिया जाए, हमने इन लोगों से बोला था कि छुट्टी ना मारे जाए, फ्रैंकलिन से पूछ लेना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने बोला कुछ नहीं होगा। अब आप देख लीजिए हमने यार क्या किया था, कुछ भी नहीं। एक मिनट अभी रेड हल्क और ग्रीन हल्क वो दोनों कहाँ पर हैं? पहले उन दोनों को भी तो सबक सिखाऊं। अच्छा ये सारे के सारे यहाँ पर हैं, अब भागो, कहाँ भागोगे तुम? अरे यार इन दोनों को तो मैंने पकड़ लिया है, अब हाँ ये दोनों तक गए। एक मिनट अब सुन लो सारे के सारे, तुम लोग कल से कैप्टन अमेरिका का भी होमवर्क करोगे और जितना भी मैंने होमवर्क दिया था वो सारा होमवर्क अब चार बार करोगे, ठीक है ना? अरे यार हमारी मजे तो हमारे सजे बन गए, छोड़ दो। अच्छा गाइस आप लोग को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।